नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो श्रद्धा से सेव दे गुरु पार उतारन हार। बैठे लो गुटी। हाँ ऐसे। हाँ ठीक। अच्छा यहाँ से चल। इधर यहाँ से। देना। अरे राजू तू क्या बना रहा है? चूहा बना रहा हूँ। चूहा देख मुन्नी, राजू चूहा बना रहा है। चूहा। अरे उल्लू, चूहा ना बनाओ तो क्या, उल्लू बनाओ। डैडी डैडी। हेलो मुन्नी। देखो ना पापा, ये मुझे उल्लू कहता है। नहीं बेटे, अपने भैया को उल्लू नहीं कहा करते। चलो हम भी तुम्हारे साथ खेलते। मुन्नी हम खेले। चलो पापा उधर से चलो। आप यहाँ बैठे हो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठीक है तुम चलो, हम आते। चलो भी। ओहो अच्छा बेटा, तुम दोनों खेलो, हम नाश्ता करने चलते हैं। चलो चल ना। ये मेरा। देख चलो। मैं चलता हूँ। हाँ आशा, मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि राजेश को चित्रकारी से लगाव है, मैं उसे बहुत बड़ा चित्रकार बनाऊंगा। और राकेश को। हाँ हाँ बाबा, तुम उसे वकील बनाना और बेटी को डॉक्टर, लेकिन पहले नाश्ता तो कर लो। ठीक है पहले नाश्ता कर लेते हैं। वैसे मैं तुम्हारे बारे में भी सोचता रहता हूँ। अब मेरे बारे में क्या सोचने लगे बताओ। याओ। इस टेलीफोन कम्बक को भी इसी वक्त आना था। हेलो यस, क्या मैं अभी आ रहा हूं, इमीडिएटली। चारों तरफ से घेर लिए गए हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ज्वाला रुक जाओ। ज्वाला इस बार तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकती। आ लीजिए। उतरो। इंस्पेक्टर, तुम समझते हो तुमने ज्वाला को गिरफ्तार कर लिया है, इसके बाद तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, सरकार की तरफ से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। नहीं इंस्पेक्टर, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुमने मेरे मुन्ना को मारकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुम्हें तबाह कर डालूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर डालूंगा। अब तुम्हें इसका वक्त नहीं मिलेगा, फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बंद कर दो इसे। इंस्पेक्टर, तुमने मुझसे मेरा भाई छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हें अपने भाई के छिन जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन कभी तुमने उन बहनों के दिल का दर्द पूछा जिनके भाइयों को तुमने गोली से उड़ा दिया? अब तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते,
धरती की कोख ने अभी वो लोहा पैदा ही नहीं किया है जिसके सलाखें ज्वाला को कैद करके रख सके। इससे पहले भी कई ज्वाला इसी गीदड़ भक्तियां दे चुके, लेकिन जो गरजते हैं बरसते नहीं। मैं तुम्हें बरस कर दिखाऊंगा इंस्पेक्टर, मैं दिखाऊंगा। अरे पुष्पा, ए पुष्पा, अरे मुन्नी को बाहर ले जाओ और इसके पटाखे चलाओ। चलो मुन्नी। आज भी मेरा कलाकार तुम्हारे वकील साहब के पटाखे लेके भाग गया है ना। तुम्हें याद है ना, कमिश्नर साहब और उनकी बीवी आज अपने पास खाने पे आने वाले। जी बिल्कुल याद है, आप फिक्र मत करो, ऐसा खाना खिलाऊंगी कि वो अपनी बीवी के हाथ का खाना ही भूल जाएंगे। तब तो मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी बीवी को भूलना नहीं चाहता। हटो भी। आशा, दिवाली मुबारक हो। आपको भी। याद है इंस्पेक्टर, तुमने कहा था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मैं तुम्हें दिखाने आया हूं कि मैं गरजता भी हूं और बरसता भी हूं। ज्वाला, अगर तू पाताल में भी है मैं तुझे वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। इंस्पेक्टर। और राजेश बैठो। ज्वाला डाकू की कोई खबर मिली? मुझे अफसोस है राजेश कि उसकी फाइल बंद हो चुकी है। ओ, इसका मतलब मैं जिंदगी भर इंतकाम की आग में चलता रहूंगा। वैसे ज्वाला का एक पुराना साथी मुझे मिला था। कौन है वो? उसका नाम है दिलावर सिंह। वो अपनी सजा काट चुका है। मैंने उससे भी ज्वाला के बारे में काफी पूछताछ की, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कहाँ रहता है? अभी कहाँ रहता है ये तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले वो मुक्तानंद आश्रम में रहता था। मुक्तानंद,
बोलो दिलावर सिंह, बोलो। अब तुम डाकू नहीं हो, एक महात्मा हो, साधु हो। तुम्हारा धर्म बनता है कि जालिम को अपने जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। उसे सजा मिलनी ही चाहिए, वो जालिम है। उसने मेरे साथ भी विश्वासघात किया था, लेकिन तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन क्यों? वो अब डाकू नहीं है। फिर वो क्या है, कहाँ है, क्या करता है? अब वो बोलो बाबा, बम्बे में कहाँ रहता है बाबा, बोलो। बहुत बड़ा आदमी है बेटा, स्मगलिंग करता है। तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ बाबा, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। मुझे उसका पता बता दो, बोलो। बॉम्बे में कहाँ? बॉम्बे में कहाँ? इस बार कोई लोचा तो नहीं होगा? आरसी के धंधे में कोई लोचा नहीं होता, बकवास मत करो। माल का क्या होगा? पहुंच जाएगा। जय शिव। माँ, राकेश मेरा बच्चा, जीते रहो बेटा। आज भगवान ने मेरी तपस्या पूरी कर दी। ये क्या माँ? कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। काश आज तेरे बाबूजी होते और तुझे इस रूप में देखते। माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी तपस्या और बाबूजी के आशीर्वाद से। अरे दीवाने जी, हजूर इस हारमोनियम को तख्ते ताउस पर रख दो। अभी रख दिया, देता हूँ। और जितनी खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दो। अभी बंद किए देता हूँ। ये लीजिए, बंद। हिंदुस्तान में वापस आकर अगर संगीत का रियाज ना हो तो ये हारमोनियम हमसे हमेशा के लिए रूट जाएगा। मेरे बंगले पर नजर मत रखो, उस पर तो पहले ही इनकम टैक्स वालों की नजर है। अगर नजर रखना ही है ना तो यहाँ रखो, हमारे दिल पर। कल आओगी? कैसे आऊंगी, अम्मा तो एडवांस ले चुकी है मुजरे का। अम्मा एडवांस ले चुकी हैं तो अम्मा को मुजरे पर भेज दो। अरे मेरी जान, अबे कौन है बे? नमस्ते। तुम्हारी माँ ने मुझसे एडवांस तो 10 बार ले लिया लेकिन तुम्हें भेजा एक बार भी नहीं। सर जी, मुझे काम मिल सकता है?
ये काम मांगने की जगह है? आज रात को आ रही हो? सर जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। तो मैं क्या करूँ? कुछ चक्कर चलाकर आज रात को आ ही जाओ। अब मैं से पूछ कर आऊंगी। सर जी अगर काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े बदतमीज आदमी हो यार तुम, जाओ काम करो अपना। तो फिर तुम्हारी बहन की नत उतारने कब आऊं? चलो जल्दी भाग, जल्दी उठो। ये क्या बदतमीजी है? इसे हमारी जबान में घोड़ा कहते हैं। घोड़ा है तो अस्तबल में ले जाओ, ज्यादा सयाना बनने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह हमारे साथ चलो, आरसी ने बुलाया। ना चलूं तो घोड़े पे बिठा के ले जाएंगे। मैं चलता हूं। ठहरो। किस खुशी में? रानी दो पैक बनाओ। मैं शराब नहीं पीता। मेरे साथ काम करने की खुशी में भी नहीं पियोगे? श्योर। मिलाओ हाथ। राजेश हा? आप अभी तक सोए नहीं? जिन आंखों से बेटा गायब है उन आंखों में नींद कैसे आएगी बेटा? कहां गए थे इतने रात तक? बाबूजी वो वर्दी वाले के यहाँ पार्टी थी। मेरा मतलब निर्मल कांच वाला मेरा दोस्त था, ऑयल मिल वाला। उसने जन्मदिन की पार्टी दी थी इसलिए देर हो गई। दोस्त की पार्टी में जाना तो अच्छी बात है, मगर कहीं बुरी संगत में देर हो गई तो अंधेर हो जाएगा। मैंने एक एक कंकरी पलकों से चुनकर इस सपनों का महल खड़ा किया है। तेरा एक गलत कदम भी उस महल की बुनियाद को हिला सकता है। बाबूजी, आपके सपने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं अपनी जान देकर भी आपके महल की हिफाजत करूंगा, आपका हर सपना पूरा होगा। तू जरा सा भी आंखों से ओझल होता है तो बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। मुझे याद है 1952 में एक बार मेरी बेटी। बाबूजी रात बहुत हो गई है। हाँ, काट दी ना मेरे बात। अच्छा ठीक है, देर हो गई, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैम साहब और कुछ लाऊं आपके लिए? नो थैंक यू। सॉरी डार्लिंग, लेट हो गया। जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तो किसी को टाइम क्यों देते हो? अरे तुम्हारे ही काम से गया था रूम देखने। ये तो तुम्हारा टर्म कार्ड है, मेरे रूम की मजबूरी तुम्हारा बहाना बन गई। अरे सच कहता हूँ बाय गॉड। तो मिल गया रूम? हाँ मिल तो गया, लेकिन किराया बहुत ज्यादा है, 500 रुपए महीने, 10,000 रुपए डिपॉजिट। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम मेरे घर में आ जाओ। कैसी बातें करते हो, शादी से पहले मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ? ठीक है, पहले प्यार के मचान पे, फिर दिल की दुकान पे और फिर मेरे मकान पे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नौकरी की जरूरत है ना? हाँ है। कर्नल तनेजा को एक स्टेनो की जरूरत है, वो कल अखबार में इश्तेहार देंगे, उससे पहले तुम उनसे मिल लो। लेकिन वो तो तुम्हारे डैडी है, वो मुझे नौकरी दे देंगे। अरे नौकरी तो क्या, वो तुम्हें बहू भी बना लेंगे। सच? क्या सोफे की क्या कीमत होगी? सिर्फ 6,000। 6,000 रुपए? ये सोफे की कीमत नहीं है बेटे, वक्त की कीमत है। यू नो 1952 की बात है,
आदाब अर्ज है कर्नल साहब, अम्मा कैसे हो? आदाब अर्ज है हमीद अली खान साहब, कैसे हैं बंदा परवर? How are you old boy? ऐसे लग रहा है जैसे सन 52 के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, बैठिए। कसम है बेगमो की कर्नल साहब, ये कमबख्त रोजगार सांस लेने ही नहीं देता। रुखसाना कर्नल साहब से मिलो, अमन से क्या पर्दा? पर्दा उठा उठा उठा। तस्लीम जीती रहो बेटी, माशाल्लाह आपकी बेटी तो जवान हो गई नवाब साहब। लाहौल वलाय कुवैत कर्नल साहब, कसम बेगमों की ये हमारी बेटी नहीं, हमारी सबसे छोटी बेगम है रुखसाना। अच्छा तो आपने तीसरी शादी कर ही डाली, अब चौथी कब करने का इरादा है? बहुत जल्द बहुत जल्द। क्या कहा? अजी आप बातें ही करते रहेंगे या कुछ फर्नीचर भी खरीदेंगे? खरीदते हैं खरीदते हैं। कर्नल साहब रुखसाना के फ्लैट के लिए जरा खूबसूरत सा फर्नीचर बनवा दीजिए, लेकिन पैसों का ख्याल रखिएगा, आप तो जानते हैं कि धंधा जरा नरम है आजकल, चौथी शादी भी है। हमने भी सन 52 में एक फ्लैट बनवाया था। तुम तो सन 52 में पैदा भी नहीं हुई थी। जी मेरा नाम लिली है, मैं आपका एड पढ़कर नौकरी के लिए आई हूँ। अच्छा तो तुम नौकरी के लिए आई हो, क्या क्या नाम बताया तुमने? जी लिली डिसूजा। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ 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 अंदर आओ, आओ आ रही थी हो? जी 95 कार्टर रोड पेंगेस्ट हूँ। पेंगेस्ट? घर में और कोई है? मेरा मतलब माँ बाप कोई? ओ जी कोई नहीं, एक डैडी थे, उनका रिसेंटली डेथ हो गया। ओ आई एम सॉरी। अच्छा लिली तुम कल से काम पे आ जाओ। थैंक यू सर। और सुनो ये अपने सर्टिफिकेट ले जाओ। थैंक यू सर। तुमने तनख्वाह के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। यू विल गेट 1200 रुपीस पर मंथ। ये लो 600 रुपए एडवांस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, यू आर वंडरफुल सर। वेलकम। थैंक यू। 15 साल बीत गए लेकिन तू नहीं मिला। मैं भी जब तक तुझे तलाश नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठूंगा। कभी तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। किससे मिलने मिलाने की बात हो रही है भाई, जरा हम भी तो सुने बाबूजी। वो फिर वही तस्वीर, कौन है ये, नाम क्या है इसका? तुमने कभी बताया नहीं, तस्वीरों के ढेर लगाए हुए हैं। बाबूजी बचपन से यह चेहरा मेरे सहन के दरीचों में घूम रहा है लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। आप दुआ कीजिए बाबूजी, यह आदमी मुझे जिंदा सलामत मिल जाए। बेटे अतीत की गर्द को क्यों अपने भविष्य पर डाल रहा है? इस गर्दो गुबार में तू अपना रास्ता भूल जाएगा। मैं चाहता हूं तू बहुत बड़ा आदमी बने। बाबूजी आपकी ख्वाहिश थी ना कि मैं भी आपकी एक तस्वीर बनाऊं। मेरी तस्वीर? मेरी तस्वीर तो मेरी बेटी ने सन 52 में बनाई थी। 3 घंटे मुझे धूप में खड़ा किया था, पसीने में तरबतर हो गया था, जरा हिलता था तो अटेंशन करके फिर से खड़ा कर दे। बाबूजी आपके दुकान जाने का वक्त हो गया है और नवाब हमीद अली खान आते ही होंगे। काट दी ना मेरे बात, मुझे तुम्हारी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हाँ तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई हो? मैं मजबूर थी राजेश, इतनी रात में मैं कहाँ जाती? मकान मालिक ने मेरा सामान बाहर फेंक कर मेरे कमरे को अपना ताला लगा दिया। आओ। मगर कर्नल साहब वो अपने कमरे में सो रहे हैं, तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ। ओके मगर वो जाग के तो? तुम उनकी चिंता मत करो, वो मिलिट्री के आदमी है, सन 52 में सोते और सुबह 5 बजे उठते। मैं जाता हूँ। राजेश हाँ, यू आर रियली वंडरफुल। तुम्हें आज मालूम हुआ?
मैं जाऊं? हाँ। मैं सचमुच जाऊं? अरे बाबा जाओ ना। लिली, ये अब तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात? वो यह है कि मैं चलता हूँ। जाओ ना। साहब, इस घर में दो दरवाजे हैं और आपने सिर्फ एक बंद किया था। ओह, तुम वहां से आए? ये चोर दरवाजा है और इससे मैं तुम्हारे दिल में दाखिल होने की इजाजत चाहता हूँ। देखो, छोड़ दो मुझे, मैं कहती छोड़ दो, कोई देख लेगा, प्लीज। देखने दो, देखने दो। देखो प्लीज, कर्नल साहब। आज हम आपके मकान में हैं, कितनी दीवारें दरमियान में हैं। ओ
दरवाजे चार पर्दे, दो खिड़की दो दरवाजे चार पर्दे। अरे काय को धंधा खराब कर रही बहन, जाओ बुकिंग से ले लो, जाओ जाओ पिक्चर शुरू हो गया। तीन कार्ड 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 आज ही का है ना? हाँ, अरे हाँ भाई आज का ही है ना, जाओ पिक्चर शुरू हो गया। अरे साहब काहे को इतना बड़ा नोट लेके आते हो बाप? और ये साहब सिर्फ तीन टिकट बचे ला बाप। चुप है, पहले तुम, अबे उल्लू की तुम, चल चल आओ, रोना धोना बंद करो और चुप रहो। ए मकरू भाई, हम लोग को छोड़ दो ना भाई, छोड़ दो ना। चुप है, गड़बड़ मत कर ज्यादा। अरे लफड़ा तो तुम कर रहे हो बाप, हमको डर करके। चुप चुप, बाप कसम बोलता है अपन तेरे को देख लेगा। चुप है मकरू, साहब देखिएगा मुझे धमकी देता है। तुम जाओ। हाँ तो लड़की, तुम्हारी माँ बीमार है? मैं बात तुमसे कर रहा हूँ लड़की, रोना बंद करो और सीधी तरह बात का जवाब दो। साहब हम बहुत शरीफ छोकरी हैं कसम से, पर हम बहुत मजबूर हैं। अपन की माँ को टीबी हो गया है, पर हम पैसा कहाँ से लाएगा? अगर हमारा माँ मर गया तो हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, हम क्या करेगा? ओके आई से छट अप। हट्टी कट्टी जवान लड़की हो, फिर ये गलत काम क्यों करती हो? ये जवानी तो अपन का दुश्मन बन गया है साहब। हम काम के लिए जिधर भी जाता उधर सेठ लोग अपन की इज्जत पर हाथ डालता, उनकी बीवी अपन को बदचलन बोलता। अभी आप ही बताओ हम क्या करेगा? इस धंधे में अपन का इज्जत तो बचता है,
था। अब उनकी माँ को रोज पेंसिलिन का इंजेक्शन देना पड़ता। डॉक्टर बोलता कोरस पूरा नहीं करेगा तो अपन की माँ मर जाएगा। हम क्या करेगा? वाकई तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करती हो। साहब, अपन की माँ बहुत प्यारी है। साहब, आप हमको छोड़ देगा तो अपन की माँ की दुआ से आपकी तरक्की हो जाएगी। हाँ साहब, साहब आपका भी तो कोई माँ होगा, आप भी उसको बहुत प्यार करता होगा साहब, है ना? माँ जी। अरे तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ये तस्वीर किसकी है? इससे तुम्हारा क्या संबंध है? बाबूजी का क्या ताल्लुक है? और अगर ये हमारा कोई नहीं लगता तो इस घर में इस तस्वीर का वजूद क्यों है? तू अगर जानना ही चाहता है तो सुन, आज मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। तेरे बाबूजी के साथ जिस आदमी की तस्वीर है वो तेरे पिताजी हैं। क्या? हाँ, तेरे पिताजी राज बहादुर देवीचंद एक पुलिस अफसर थे और तेरे बाबूजी के अजीज दोस्त भी थे। माँ, आज तक ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? इसलिए कि मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी, कि तुझे पता चले कि किसी जालिम ने तेरे माता पिता का खून कर दिया था। क्या? तेरे भाई बहन तुझसे बिछड़ गए थे, कहीं बदले की आग में जलकर तू कोई गलत कदम ना उठा बैठे जिससे तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। बेटा, तू ही तो मेरे जीने का आखिरी सहारा है ना, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो दिवाली की रात थी और हम तुम्हारे ही घर जा रहे थे कि रास्ते में आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और ज़बान पर सिर्फ एक ही रट थी, भैया मुन्नी, भैया मुन्नी। भैया मुन्नी, मुझे धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, उस आदमी के हाथ में बंदूक थी, वही बंदूक अक्सर मुझे सपनों में नौकिन की तरह टंसती रहती है। क्या उस खूनी का कुछ पता चला? नहीं, पुलिस ने खूनी को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हमने भी तुम्हारे भाई बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, उनका भी कोई पता नहीं चला। मेरा भाई, मेरी मुन्नी, मुन्नी तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, अब तो बड़ी हो गई होगी।
पहचानते हो ना, माल इस गाड़ी में लोड कर दो। नहीं, तुम इस माल को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे हाथ लगाने की जरूरत भी क्या है, तुम खुद अपने हाथों से मेरी गाड़ी में माल लोड कर दोगे, वरना तुम सबकी लाशें मैं तुम्हारे बॉस के नाश्ते के टेबल पर पहुंचा दूंगा। बॉस ने 3 चेयरों को तुम्हारे लिए भेजा है ताकि उनका नाश्ता भी हो जाए, लंच भी हो जाए। और डिनर भी हो जाए, क्यों? इन कुत्तों को शेर कहकर शेर की तौहीन मत करो। अबे नाश्ता तो करते जा।
कौन हो तुम? देखिए, एक इंस्पेक्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आपकी मदद चाहता हूँ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। बहन? जी हाँ, इंस्पेक्टर मुझे चोर समझ बैठा है और मैं अपनी बहन को तलाश कर रहा हूँ। अगर इंस्पेक्टर ने मुझे पकड़ लिया तो मैं अपनी बहन तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। अब मुझे कहीं छुपा दीजिए बहन, प्लीज। अच्छा, आप इस रूम में छुप जाइए। बहन, जिंदगी में पहली बार किसी ने बहन कह के पुकारा है। तारा, कहाँ है वो? दंदनाते चले आ रहे हैं, ना सलाम ना दुआ। ये क्या हुजूर? सलाम दुआ तो बाद में होती रहेगी, पहले ये बताओ तुमने इसे छुपाया कहाँ है? कहीं भी छुपा रखा है। आप कौन होते हैं? वो मेरा अपना है। तारा, तुम्हें ये नहीं पता कि वो एक कानून का दुश्मन है और यहीं आया है। कर छोड़िए, आप ये बताइए कि आप चाय पियेंगे कि ठंडा? रास्ता छोड़ो तारा, मुझे कोठे की तलाशी लेनी है। तलाशी तो मुझे भी लेनी है। क्या? मैं आपके दिल में झांक कर देखना चाहती हूँ कि कहीं वो कानून का दुश्मन आपका भाई बनकर आपके दिल में तो नहीं छुपा बैठा है। Will you shut up? शराब कौन सी पियेंगे हुजूर? हुजूर, अरे तारा साहिबा, शराब का और इंतजाम है कि नहीं? हुजूर, शराब नोशी सेहत के लिए ठीक नहीं। अरे हम अपने दर्द की तौहीन कर गए होते अगर शराब ना होती तो मर गए होते। आपकी तारीफ। हुजूर, नाचिस को नवाबे खाना खराब, गुलामे हुस्न शबाब और मुरीदे जामो शराब कहते हैं। मोहतरमा, कहीं अपनी तारीफ ज्यादा तो नहीं करते? अम्मा जी नहीं, बजा फरमाया आपने। मुझे आप नवाबे खाना खराब नहीं बल्कि बगदाद के चोर नजर आते हैं। मैं आपको बगदाद का चोर लग रहा हूँ? अरे मियाँ, एक जमाना तो ऐसा भी था कि लोग हमें देखते ही शराफत की नकाब ओढ़ लिया करते थे। हाँ, नकाब तो आप अभी भी डाले हुए हैं, इजाजत हो तो। ये तो तूफान बदतमीजी है। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे मुहज़्ज़िब मेहमान हैं, जरा ध्यान रखिए। हुजूर, आप यहाँ तशरीफ रखिए। एक जाम और सही। नवाब साहब, एक बात कहूँ? बड़े शौक से। मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, हम कानून वाले चेहरे की नकाब हटाना अच्छी तरह से जानते हैं। जी मैं समझा नहीं। मुझे तुम्हारी कमीज कुछ तंग मालूम होती है, कहीं ऐसा तो नहीं जल्दी में आप किसी और के कपड़े पहन के चले आए हो? देखिए दारोगा साहब, आपको शक हुआ, आप किसी के चेहरे से नकाब हटाइए या कुछ भी कीजिए, ये आपका जाती मामला है। लेकिन हमारे वालिद बुजुर्गवार ये कहा करते थे, अगर कानून बिना सबूत के हद से आगे बढ़ जाए तो उन पर हद की इज्जत का दावा किया जा सकता है। नहीं समझे? मेरा नाम हैदर अली खान है, ये वर्दी उतर भी सकती है। अच्छा, एक शेर अर्ज है। इरशाद। दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये तो चेहरे का कोई अक्स है तस्वीर नहीं, ये तो चेहरे का कोई अक्स है तस्वीर नहीं, इस पर कुछ रंग अभी और चढ़ाते रहिए, फिर मुलाकात होगी। अदावर है, खुदा हाफिज। बहन, किन लफ्जों में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं मैं नहीं जानता। मेरी ये दुआ है कि आपको आपकी बहन मिल जाए। इसका मतलब है हमारे सारे आदमी निकम्मे निकले। हाँ भाई, वो छोकरा तूफान है, उसने हमारे आदमियों की पिटाई भी की और माल भी ले उड़ा। कौन है ये छोकरा? मैंने पता लगा लिया है, राजेश है उसका नाम और वो विक्रम के लिए काम करता है। विक्रम जी, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेलो बॉस, आपको फोन। हाँ विक्रम हियर। अपनी कमीनी आदत के मुताबिक इस बार भी तूने मेरा माल लूटने की कोशिश की। तुम्हारा माल लूट गया?
ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, मैंने तुम्हारा माल नहीं लूटा। तू झूठा है। एक बार कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, मगर तू टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा हरामखोर। आरसी, हम तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम गर्मी जल्दी खा जाते हो और गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरा माल पुलिस कस्टडी में पहुंचा कैसे। क्या? इस बात का जवाब जानना तुम्हारे लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी। अंडरस्टैंड? मैंने तो अपनी चाल चल दी थी विक्रम सिंह, लेकिन इस बार वर्दी वाला तुरुप की चाल चल गया। आरसी का माल लूटा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐन मौके पर यह पुलिस कैसे पहुंचाती है। गद्दार जब वफादारी का नकाब ओढ़ ले तो उसे अपनों में पहचानना मुश्किल हो जाता। विक्रम सिंह, क्या मतलब? मतलब यह है कि हमारा ही कोई साथी वर्दी वाले का साथ दे रहा है, हमें मुश्किल में डालकर पुलिस वालों का काम आसान कर रहा है। तुम्हें हमारी वफादारी पर इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। राजेश जब बोलता है तो हजार बार सोच चुका होता है। अगर यह सच नहीं है तो हमसे पहले पुलिस को हमारे ऑपरेशन की खबर कैसे पहुंचाती है? बोलो, है किसी के पास जवाब? राजेश, हमारे आदमी अच्छी तरह जानते हैं कि जब विक्रम सिंह ज्वालामुखी की तरह फटता है तो उसके लावे में इंसान की लाश का पता भी नहीं चलता। लेकिन ज्वालामुखी जब फटेगा तब ना कानून का समंदर कहीं इससे पहले हम सबको बहा के ना ले जाए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग राजेश साहब, आपकी नीयत मुझे आज अच्छी मालूम नहीं लगती। एक बात अर्ज करूं? क्या? जब गुलाब खिलता है तो सारा बाग उसकी खुशबू से महक जाता है, और जब शबाब महकता है तो इंसान तो क्या फरिश्तों का भी ईमान बदल जाता है। आज थोड़ी सी खुशबू चुरा लेने दो। शर्म नहीं आती? शरारती कहीं के? शरारत ही तो जिंदगी है मेम साहब। अरे अब छोड़ो भी, कर्नल साहब आते ही होंगे। ओहो। कैसे लगे समोसे बेटे? फर्स्ट क्लास। अच्छा, शर्माना नहीं, अच्छी तरह से खाना। अब ये कचौरियां खा, मैं तेरे लिए चाय लेके अभी आती हूँ। आप तो आप यहां तक पहुंच गए। मैडम, ये बड़ा घर नहीं, मेरा घर है। आपका घर है? मर गए। अरे बेटा राकेश, तू कब आया? माँ जी, मैं बस अभी आया। अच्छा, मैं तेरे लिए चाय लेके अभी आती हूँ। ले बेटी। मुझे नहीं चाहिए, साहब को दे दीजिए। तुम जानती हो इसे? नहीं माँ जी, मैं ही नहीं, कैसे जान सकती हूँ, ये तो पुलिस वाले हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर है। वो साहब ने एक चोर को पकड़ा था। शायद आप भूल गई, एक नहीं दो। हाँ दो, टू टू। साहब ने उनको इतना मारा, इतना मारा। हाँ हाँ, मारा नहीं, छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया था। साहब बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटा है ही लाखों में एक। हाँ माँ जी, मैं चलती। अरे ठहर ना, अपने पैसे तो लेती जा। पैसे? हाँ, आज मैं दुकान पे सौदा खरीद रही थी, बस एक जेब कतरे ने माँ जी का पर्स मार लिया। ओह, आई सी। अच्छा बेटी, तू बैठ, ले चाय पी। भला हो इस लड़की का, दुकानदार बकबक करने लगा तो इस बेचारी ने पैसे दे दिए। अरे वो तो मेरा फर्ज था। अच्छा तो अब मैं अपना फर्ज पूरा करूं?
माजी मैं चलती हूँ। हाँ हाँ फकरू इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ फकरू नमस्ते नमस्ते। अरे बेटी वो ओफो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर माजरा क्या है? माजरा वाजरा कुछ नहीं माजी, मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। कौन है ये लड़की? इसका नाम बिजली है। बिजली? तुम्हारी इस प्यारी सी धमकी पर याद आया, 1957 में मैं फैमिली के साथ शिमला गया हुआ था। राम सहाय मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कहने लगा इस बार तू मेरे बंगले पे ठहर जा वरना वरना मैं भी अपने बंगले पर नहीं रहूंगा। बाबूजी मैं एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं पूछो। बाबूजी आपका दिल दिमाग और आत्मा सभी 1957 से जुड़े हुए हैं, आप दुनिया की हर चीज भूल सकते हैं लेकिन 1957 को नहीं। लीजिए। दरअसल बात यह है लिली, 1957 में मैं 1 साल का सुल्तान बना था, अपने अरमानों की रियासत का। मैं बड़ा खुश था। 1957 में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बना था। 1957 में मेरी बीवी आशा ने फर्नीचर के कारखाने की बुनियाद डाली थी। उसी साल मेरी बेटी शालू लंदन से पेंटिंग में डिप्लोमा लेकर आई थी और मैंने उसकी शादी बड़े धूमधाम से की थी। मेरा दामाद अशोक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। 1957 में ही अशोक ने बंगलोर में एक 5-स्टार होटल बनाया था और शालू की जिद थी उस होटल का इनॉग्रेशन कर्नल तनेजा करें। मैंने बहुत पना किया लेकिन कोई माना नहीं, मजबूरन हाँ कहना पड़ा। अशोक ने एक बहुत खूबसूरत इम्पाला गाड़ी खरीदी थी और हम चारों उसी गाड़ी में बंगलोर जा रहे थे, हंसते गाते, और अचानक सामने से एक ट्रक आ गया, बहुत जबरदस्त धमाका हो गया। 1957 में मैं सुल्तान बना था और 1957 में ही मैं फकीर बन गया। जब मुझे होश आया तब मेरे सामने मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरी बीवी की लाशें पड़ी हुई थी। 1957 की वो आखिरी शाम थी और मैंने एक नहीं तीन तीन चिताओं को आग दी थी। 1957 का वो मंजर, वो समा मैं कैसे भूल सकता हूं? बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बिना वजह आपका दिल दुखाया। अरे पगली तूने कोई दिल नहीं दुखाया, तूने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। यह मेरी आप बीती है, औरों को टुकड़ों में सुनाता था तुझे पूरी सुना दी है। चल चाय ठंडी हो गई है, ताजा चाय बना ले, साथ में चाय पीते हैं जी। बास आज बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ आज का काम बहुत मुश्किल काम है, अगर मेरा ये काम हो गया तो मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और मेरे दुश्मनों पर मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। मगर ये पहाड़ खड़ा करेगा कौन? शेरू को बुलाओ। यस सर। बेटा शेरू को बॉस ने याद किया है, जल्दी भेजो। यस बॉस। राजेश का पता चला? हमने उसे खबर भिजवा दी थी मगर वो अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राजेश ये काम नहीं कर सकता। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है विक्रम सिंह जो राजेश नहीं कर सकता? तुम आ गए, गुड। हाँ विक्रम सिंह, मैं तुम्हारे इस जुर्म का खेल उस वक्त तक खेलता रहूंगा जब तक मुझे मेरा शिकार न मिल जाए। काम क्या करना है? राजेश आरसी का माल मड आइलैंड पर उतर रहा है, अगर ये माल आरसी के पास जाने के बजाय तुम्हारे पास आ जाए तो मैं तुम्हें मालामाल कर दोगे, यही ना? प्रॉमिस। जॉब विल बी डन। ऑल द बेस्ट।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज कोर्ट पे पुलिस का बहुत बंदोबस्त है। क्या कोई मिनिस्टर आने वाला है? मिनिस्टर नहीं, स्मगलर आ रहा है। ओह, आई सी। ए, कब से बैठे हो यहाँ? साहब जो भी आता है यही पूछता है कब से बैठे हो, ये किसी ने नहीं पूछा कब से भूखे हो। ये लो। साहब, यस इंस्पेक्टर राकेश चंद्र, मैं इस घर की तलाशी लेने आया हूं। बिना इजाजत के आप इस घर में कैसे पधारे? यह कर्नल तनेजा का घर है। यहां कर्नल तनेजा के अलावा एक मुजरिम भी रहता है, इसलिए मुझे इस घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी लेने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि यह ऑर्डर आपको कहां से मिला। मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है कर्नल, एक मुजरिम को अपने घर में पनाह देने के जुर्म में मैं आपको भी गिरफ्तार कर सकता हूँ। तुम होश में तो हो? Have you lost your senses? मैं कहता हूँ हट जाइए मेरे सामने से। तुम किसे ढूंढ रहे हो, किसे तलाश कर रहे हो? जिस आदमी ने जिंदगी भर देश की सेवा की है, अपना सब कुछ लुटा दिया है, अपनी जान तक की परवाह नहीं की, उस आदमी के घर में कोई मुजरिम पनाह लेगा? यस, आपके घर में एक मुजरिम ने पनाह ली है और उसका नाम है राजेश। अपनी जबान को लगाम दो। याद रखो, राजेश मेरा बेटा है, एक कर्नल का बेटा है। आपको मालूम नहीं कर्नल साहब, कभी कभी घर के चराग से घर को आग लग जाती है, और आपके घर को तो आग लग चुकी है। आपका बेटा एक खतरनाक मुजरिम है, एक स्मगलर है और देश का दुश्मन है। What? कमाल कर दिया। शुक्रिया। वाह वाह चंपा भाई, तुम्हारी शबाब के कली ने मेरे दिलो दिमाग पर बिजलियां गिरा दी। आपको मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया के साथ साथ जरा ये भी बता दीजिए कि इस कमर और कमरे में कितना फर्क है? उतना ही जितना समंदर और उस पर झुके हुए आसमान में है। जाने मन ये सब कहावत है। ये कहावत नहीं, हकीकत है। सरकार बच्ची है, बुरा न मानिएगा, अभी बुलाकर लाती हूँ। हम सब्र करने के आदि हैं। बेटी तुम्हें सेठ जी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत बड़े आदमी हैं, तुम उन्हें नहीं जानती। मैं उन्हें जानू या न जानू, लेकिन तुम्हें जरूर पहचानती। तुम वो बेइज्जत चीज हो जो इज्जत के बाजार में बिकती हो। तुम वो हवा की लानत हो
जो औरत को नोटों के बिस्तर पर लिटाकर उसकी इज्जत की चादर उतार लेती है, और तुम जैसी औरतें जब मरती हैं तो उन्हें दो गज कफन तक नसीब नहीं होता। मेरे से दबान लड़ाती है, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है। माँ होती तो पैरों में घुंघरू नहीं, हाथों में मेहंदी रची होती, किसी के ऐश का सामान बनने के बजाय किसी के घर की शोभा होती। मैं तुझे हजार बार कह चुकी हूँ कि जो तू चाहेगी वो नहीं होगा, जो मैं चाहूंगी वही होगा, समझी? ये तुम्हारा वहम है चंपा बाई, होगा तो वही जो मेरे भगवान को मंजूर होगा। शराब में तो आग लग गई है, शबाब ने क्या जवाब दिया? शबाब के चेहरे पर अभी तक नकाब है हुजूर। नकाब खोलने की चाबी मेरे पास है, इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां खुल जाती हैं। सेठ जी जरा तो समझिए, ये शाख कच्ची है, झटका देते ही टूट जाएगी। टूट के गिरेगी भी तो मेरी आगोश में, ये रही पेशगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश अब तक नहीं आया, अगर राजेश को कुछ हो गया तो आरसी की दौलत और बढ़ जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। तबाह तो वो होगा विक्रम सिंह जिसने मुझे तबाह किया है। तुम तो आबाद हो, तुम्हारा घर मैं हीरे जवाहरात से भरता रहूंगा, लेकिन उस वक्त तक। कब तक? तुम आम खाओ, फिर गिनने से फायदा क्या। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। राजेश ये हीरे 50 लाख से तो कम नहीं होंगे ना? ज्यादा भी हो सकते हैं। राजेश अगर मेरे पास हीरों की खान होती तो आज मैं तुम्हें हीरों में तोल देता, आज मैं बहुत खुश हूं। बोलो क्या चाहिए? राजेश को कब कहां और क्या चाहिए वो ये अच्छी तरह जानता है। वो लड़का हीरे लूट के ले गया, तुम मुंह देखते रह गए? जाओ अपने घरों में चुड़िया बन के बैठ जाओ तुम लोग। बॉस हमने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन क्या करें वो भूत की तरह गायब हो गया। और अब तुम लोग भी गायब हो जाओ। आउट। और सुनाओ, अगर इसके बाद तुम लोग माल नहीं लूट सके तो मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आउट। मिस्टर वेखरा, तुम अपना गंदा हाथ इस मनी को मत लगाओ। क्या मतलब? तुम्हारा माल खोटा है, ये 50 लाख तो क्या 50 रुपए में भी नहीं खरीदा जा सकता। क्या बकवास करते हो? मैं हीरे का व्यापारी है, कोई मूंगफली नहीं बेचता। एक कांच का टुकड़ा अपने पास रखो, बच्चा लोग के खेलने के काम आएगा। चीटर। राजेश तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, तुम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। बताओ श्री हीरे कहां है? आहिस्ता बोलो विक्रम डार्लिंग, नहीं तो गले में खराश आ जाएगी। अरे ये तो वाकई नकली है, मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे ऐसे लूचे तो इस धंधे में होते ही रहते हैं, मैं 50 लाख का नुकसान 50 करोड़ से पूरा कर दूंगा। लो शराब पियो, गम गलत हो जाए, पियो। वैसे मुझे पता चला है कि 2 नए लड़कों ने काम शुरू किया है और रातों रात करोड़पति बन गए, हो सकता है ये हीरे उन्हीं लोगों ने पार कर दिए हो। मेरी नजर में तो कोई ऐसा स्मगलर पैदा नहीं हुआ। छोड़ो यार, तुम तो टॉप के स्मगलरों के नाम तक नहीं जानते। राजेश अभी तुम बच्चे हो, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा स्मगलर है जिसे मैं नहीं जानता या वो मुझे नहीं जानता? लुकमान, धर्म सिंह, प्रेमचंद, आरसी, हाँ आरसी के साथ पार्टनरशिप में मैंने एक ऑपरेशन किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, सारी चांदी खा गया। उस दिन से मैंने फैसला किया कि एक दिन आरसी को कंगाल बनाकर ही रहूंगा। अच्छा विक्रम, तुम क्राइम की दुनिया में किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो पहले डाके डालता था, एक बार जेल से फरार हो गया और इसके बाद इसी शहर में आकर तुम्हारी लाइन में आ गया? जानता हूं। कौन है?
जानना चाहते हो? प्लीज विक्रम बोलो कौन है वो। बोलो विक्रम। वो मैं हूं। तुम? 10 साल की उम्र में पहली बार अपने दोस्त के साथ एक दुकान पर डाका डाला था, लेकिन नाकाम रहा। अगर कामयाब हो जाता तो जानते हो क्या होता? चंबल की घाटी का सबसे बड़ा डाकू होता मैं। हे भगवान, मैंने उस दिन तुम्हारे चरणों में फूल अर्पित करके एक सौगंध खाई थी। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे राकेश के सामने मेरा सिर नीचा हो। तुमने मेरी सहायता की। आज एक और विनती करती हूँ, मेरे प्यार की झोली में राकेश के नाम का एक फूल डाल दो। सनम ये बता, सनम ये बता, मौसम है क्यों बेकरार? तूने कानों में जरूर कह दी ऐसी वैसी बात, तूने कानों में जरूर कह दी ऐसी वैसी बात। मेरे हमदम ये बता, बहती है क्यों घटा? ओ तूने आंखों आंखों में कह दी ऐसी वैसी बात, तूने आंखों आंखों में कह दी ऐसी वैसी बात। ऐ सनम ये बता, मेरे हमदम सुन जरा। आंखों आंखों में कह दी ऐसी वैसी बात, तूने आंखों आंखों में कह दी ऐसी वैसी बात। ऐ सनम ये बता, मेरे हमदम सुन जरा। तुम? तुम्हारे मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे जान, हम तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि आसमान और समुंदर का मिलन कैसे होता है। छोड़ो। छोड़ दूं? इस रात को रंगीन बनाने के लिए मैंने 25,000 रुपए दिए हैं। देखो सेठ जी, मेरी इज्जत से मत खेलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, गले का हार बनने के लिए है। नहीं, तुम मेरी इज्जत से नहीं खेल सकता। राम कौन बचा सकता है? आज तो आसमान और समंदर का मिलन हो करेगा। यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरी बुलबुल, जरा तकिए हो जाओ। ये ले बाबे। आज तो ये शाख टूट के रहेगी। 25,000। चमा भाई। मां जी। नमस्ते मां जी। राकेश बेटा। लेटे रही मां जी। ओ बेटा। मां जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, ठीक है। बिजली नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है? पगली है, पगली दवा लेने गई है। वो समझती है कि माँ दवा से अच्छी हो जाएगी,
लेकिन बेटा अब दवा क्या, मुझे दुआ भी नहीं बचा सकती किसी की। मां जी, आप ऐसी बात क्यों करती हैं? भगवान ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, नहीं राकेश, अब मैं अच्छी नहीं हो सकती। बेटा राकेश, बिजली का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तू उसका उसका हाथ अपने हाथ में ले सके तो मैं सुकून से मर सकूं। मां जी, आज तो आपने मेरे मुंह की बात छीनी। मैं वादा करता हूं, मैं बिजली से शादी जरूर करूंगा। जीत रहो बेटा, जीत रहो, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। मां जी, दवाई नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। बिजली मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? मत रो बिजली, हिम्मत से काम लो। मैं जो तुम्हारे साथ हूं मां, कहां हो तुम? मां आओ। आई बेटा। क्या बात है बेटा? अरे ये तो वही लड़की है। क्यों, आज बाजार में किसी ने तेरा पर्स मार लिया क्या? मेरा कुछ नहीं हुआ माँ, लेकिन भगवान ने बिजली का सब कुछ छीन लिया। क्या हुआ इसे? पिछले दिनों इसकी माँ का देहांत हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ समान हूँ। आओ। आओ बेटी। बेटी एक बात तो बता, अब तू रहेगी कहाँ? माँ, बिजली कुछ दिन तक यहाँ रह सकती है। नहीं तो क्या, तू इसे भरी दुनिया में अकेला छोड़ आएगा? अरे रमा। आई मैम साहब। जी जा, इसे मेरे कमरे में ले जा। जाओ बेटी। आइए। मुन्ने, दिवाली मुबारक हो। ये देखो शानदार मिठाई लाया हूँ, काटिया और इसे पटाखड़ी। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? आज तो खुशी का दिन है, तुम्हारी आंखों में आंसू। भाईजान, मैं दिवाली नहीं मना सकती। क्यों, अकबर अली के घर में ईद मनाई जा सकती है तो दिवाली क्यों नहीं? माँ बदौलत का हुक्म है कि दिया जलाओ। भाईजान, जिसके जिंदगी भर के उजालों को दिवाली की रात ने निगल लिया हो, वो क्या दिए जलाएगी, वो क्या दिवाली मनाएगी? वो मनोज दिवाली की रात थी जब एक डाकू ने मेरे माता पिता का खून कर डाला और मेरे दोनों भाई मुझसे बिछड़ गए। तुम्हारा भाई? हाँ, राजू और राकेश। उन डाकुओं का पीछा करते करते पता नहीं कहाँ चले गए।
मुझे मेरी नौकरानी ने पाल पोस कर बड़ा किया और जब नौकरी की तलाश में शहर आई तब मुन्नी से तारा भाई बन गई। मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ भैया, मैं बहुत बदनसीब हूँ। तारा तुम्हें याद है तुम्हारा एक भाई कोरे कागज पर उल्टी सीधी तस्वीरें बनाता था? हाँ, हाँ, राजू, राकेश। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? मुन्नी? हाँ मुन्नी। राजू, मैं तेरा वो बदनसीब भाई हूँ जो तस्वीरें बना रहा था। भैया। हाँ मुन्नी। राजू भैया, बात करो, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, अब तो मुझे कभी नहीं छोड़कर जाओगे। हे मुन्नी, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। अच्छा भैया, राजू भैया कैसे हैं? तेरी तरह राकेश भी उसी दिन मुझसे बिछड़ गया था। तू चिंता मत कर बहन, भगवान ने जब हमें मिला दिया है तो एक ना एक दिन राकेश भी हमें जरूर मिल जाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि राकेश आप लोगों को जल्दी मिल जाए। आप तो दिवाली मनाओगे ना? वेरी गुड। ए लोबो, बीट इंटरनेशनल ब्यूटी। ओ विक्रम, ये तो सब हिंदुस्तानी है। नहीं, पहला ये हिंदुस्तानी था, फिर इंटरनेशनल हुआ। शादी किया अरब गया, डिवोर्स हुआ फ्रांस गया, फ्रांस से ये जर्मनी गया। जर्मनी में इसका कारोबार बहुत अच्छा चला। फिर इसको अपने हिंदुस्तानी भाइयों का याद आया और ये हिंदुस्तानी भाइयों का मनोरंजन करने के लिए दोबारा हिंदुस्तान आया। है ना इंटरनेशनल ब्यूटी? यू आर राइट। ओ राजेश, माय फ्रेंड, माय ब्रदर, कम। राजेश, माय फ्रेंड, माय ब्रदर, कम ऑन, वेलकम मिस्टर लोबो, एंजॉय योरसेल्फ, कम ऑन गर्ल्स, एंजॉय। राजेश, आज मैंने तुम्हें एक बहुत अहम काम के लिए बुलाया है। तुम्हारा हर काम तो अहम होता है, बोलो क्या करना है? कल तुम्हें होटल मिडनाइट जाना है, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कैथरीन तुम्हें मिलेगी। ये अंगूठी देखते हो? ये अंगूठी उसे पहनानी होगी। नहीं, पहचान के लिए। बिल्कुल ऐसी अंगूठी उसकी उंगली में भी होगी। मगर वहां तो हजारों लड़कियां होंगी, मैं किस किस की उंगलियां पकड़ूंगा? किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी, तुम्हें जानती है। उसके बाद वो तुम्हें एक डायरी देगी जिसकी कीमत करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और उस डायरी के पीछे कई पार्टियां होंगी, कुछ वर्दी में, कुछ बिना वर्दी में, और तुम्हें उनकी आंखों में धूल झोंक कर डायरी लेकर वहां से चू हो जाना है। ओके।
सजी हुई है हुस्न की महफिल, एक से एक हसीना। मगर मुझे जिसकी है हसरत, वो है एक नगीना। प्यार की है खुशबू, कहाँ छुपी है बात है इंस्पेक्टर।
आज फिर राजेश के पीछे आए हो? हाँ, उस दिन तो वो भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन आज मैंने उसे भागने के काबिल नहीं छोड़ा। उसे गोली लगी है। क्या? तुमने उसे गोली मार दी? ये तुमने क्या किया इंस्पेक्टर? उसने उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने कोई जुर्म नहीं किया। स्मगलिंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो बेगुनाह है। हर मुजरिम का बाप अपने बेटे के बारे में यही कहता है। मेरा यकीन मानो इंस्पेक्टर, विश्वास करो। उसने यह खतरनाक रास्ता इसलिए अपनाया कि वो अपने माँ बाप के कातिल को तलाश कर सके। अपने माँ बाप के कातिल की तलाश कर सके? तो क्या वो आपका बेटा नहीं है? बेटा तो वो मेरा ही है इंस्पेक्टर, मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इज मोर देन अ सन टू मी। लेकिन हकीकत यह है कि वो मेरा खून नहीं है, वो एक वफादार पुलिस ऑफिसर का बेटा है जिसे 18 साल पहले ज्वाला डाकू ने मार डाला था। और ये राजेश तुझे सड़क पर रोता हुआ मिला था, उसकी बहन मुन्नी और छोटा भाई राकेश बिछड़ चुके थे, लेकिन राजेश ज्वाला डाकू को भूल नहीं पाया। बचपन से लेकर जवानी तक उसी के स्केच बनाता रहा। तो क्या राजेश मेरा भाई है? क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर? मेरा यकीन मानो, राजेश मेरा बेटा है। वो आपका बेटा हो या मेरा भाई, कानून की नजरों में वो एक मुजरिम है। जल्दी कर अकबर, गोली निकाल। नहीं राजेश, मुझसे नहीं होगा। अकबर देर मत कर, जल्दी निकाल। मेरी बात मान जा, किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं। मुन्नी जल्दी डॉक्टर फोन कर। नहीं तारा, तुझे मेरी कसम, डॉक्टर नहीं बुलाना। राजेश कोई बात नहीं, अगर किसी को मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है तो ये काम मैं खुद करता हूँ। ठहरो, मैं निकालती हूँ। खुदा से भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आराम आ जाएगा। जल्दी कर, थोड़ा सब्र। अल्लाह तेरा शुक्र है। हेलो। हेलो राजू, तुम्हारा दुश्मन मिल गया। कौन मिल गया बाबूजी? ज्वाला डाकू जिसका तू स्केच बनाता रहता है। हाँ हाँ, मैंने अभी उसको देखा है। उसकी कार का नंबर है MRS 5050। वो इसी शहर में है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बी केयरफुल। थैंक यू बाबूजी। राजेश, दुनिया में ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो, इनकार मत करना दोस्त। नहीं विक्रम, अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। राजेश, जिस विक्रम ने जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो तुम्हारे घुटनों को हाथ लगाता है और वादा करता है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हारे नाम से कई यतीम खाने खोल दूंगा, जिनका उद्घाटन भी तुम ही करोगे। उद्घाटन तो हो चुका है विक्रम, मुझे मेरी खोई हुई बहन मिल गई। और जानते हो, जिस कमीने की तलाश में मैंने तुम्हारा सहारा लिया था, वो मेरी जेब में है। ये वो कमीना है जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे मां बाप का खून किया था। मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई, भाई आज भी लापता है, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। राजेश, तुम्हारा भाई यकीनन जिंदा होगा। तुम्हारे मां बाप के इस कातिल को मैं अच्छी तरह पहचान चुका हूं। ये तुम्हारा दुश्मन भी है और तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन भी है। तुम उन्हें जानते हो? जानता हूं, लेकिन ये शख्स तुम्हें मेरी मदद के बगैर नहीं मिल सकता। मुझे बता दो विक्रम। डोंट गेट एक्साइटेड राजेश, इट्स अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूं। इस हाथ हीरे, इस हाथ पता, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। तुम अपने हाथ कटवा चुके हो राजेश, मुझे उसकी तस्वीर दिखाकर मैं उसे होशियार कर दूंगा। फिर इस जन्म में तो तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे, अलबत्ता अपनी जिंदगी से हाथ जरूर धो बैठोगे।
You are a cunning bastard. Thanks for the compliment. बॉस आपके लिए फोन। हेलो आरसी साहब, विक्रम। yeah. आरसी, आज मुझे एक ऐसा आदमी टकरा गया है जो तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड्स, तुम्हारे पिछले कारनामे मुझसे भी ज्यादा जानना चाहता है। कितनी शराब पी रखी है? मैंने तो नहीं पी है, लेकिन तुम्हारी सारी उतर जाएगी अगर मैंने उसका नाम। क्या नाम है उसका? नाम बता दिया तो फिर मेरा काम क्या रह जाएगा? हाँ, उसे किसी ज्वाला डाकू की तलाश है। सिर्फ इसीलिए फोन किया था क्या? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूं कि ज्वाला डाकू तुम हो। और मैं भी ये जानता हूं कि जब तक कुत्ते को हड्डी न डाली जाए भौंकना बंद नहीं करेगा। वाह, बड़े ने छोटे को खूब पहचाना। वैसे मेरा ना भौंकना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खैर झगड़ा छोड़ो और एक काम की बात सुनो। मुझे शक है कि ये वही आदमी है जो हम दोनों का माल पुलिस तक पहुंचा देता है। फिर तो ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा शिकार लाल बंगले तक पहुंच जाएगा। और इसके बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ के माल का नजराना पेश करूंगा, क्योंकि मैं किसी ऐसे आदमी को दुनिया में जिंदा देखना नहीं चाहता जो ज्वाला को जानता हो या उसे पहचानता हो। डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना ज्वाला। ओह आई एम सॉरी आरसी साहब, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं, वरना तुम मुझे ट्रिपल क्रॉस कर दोगे, जानता हूं। हाँ हाँ, ये मर्द की जबान है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। यस, बाय। सबसे पहले तुझ पे क्रॉस मारना जरूरी है विक्रम। इंस्पेक्टर राकेश। इंस्पेक्टर साहब, आपने ज्वाला का नाम सुना है? ज्वाला? जी हाँ, वही ज्वाला डाकू। कहाँ है ज्वाला, तुम कौन हो? मैं आपको एक शुभचिंतक बोल रहा हूँ, आपकी मुश्किल आसान करना चाहता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्वाला और कोई नहीं बल्कि विक्रम सिंह है। विक्रम स्मगलर? जी हाँ, वही है। कल रात 11 बजे आप लाल बंगले पर पहुंच जाइए, आपको ज्वाला डाकू मिल जाए। लेकिन तुम कौन हो? देखिए, जब आपका काम हो जाएगा तो इनाम लेने में आपके पास खुद हाजिर हो जाऊं। तब तक के लिए बाय। इसको कहते हैं ट्रिपल क्रॉसिंग। फिर तुमने मेरे साथ डबल क्रॉस कर ही दिया, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुम्हारा यह जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। बोलो, माल कहां है? तुम छोटे, तू अभी बच्चा है, तू क्या समझता है कि मेरे दिमाग का शैतान घास चरने गया है? अबे मैं ऐसी चाल चलता हूँ कि ऊपर वाला भी चकरा जाता है, तू क्या चीज है? तो तूने ये साबित कर दिया कि तू हमारे धंधे के काबिल नहीं है। ए डाकू कभी अच्छा स्मगलर नहीं बन सकता, तू डाकू है, सिर्फ डाकू। और मैं दुनिया में किसी ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता जो ज्वाला को जानता हो। गोलियां ही खत्म हो गई, पर कैसा लगा ये खेल? इंटरेस्टिंग। मैं थ्रिलिंग अंदाज से अपनी दोस्ती को और मजबूत करना चाहता था। आ?
आरसी के रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो सकती हैं, मगर ज्वाला के रिवॉल्वर की गोलियां कभी खत्म नहीं हो सकती। नमूना पेश करूं। अब ज्वाला को जानने वाला कोई नहीं बचा। सॉरी, स्वीट ड्रीम्स। विक्रम, विक्रम, ये सब क्या हो गया? विक्रम, ये सब किसने किया? किसने मारा तुम्हें? राजेश, आरसी ने मुझे धोखे से मारा है। तुम उसे छोड़ना मत। बोलो विक्रम, बोलो, क्या कहना चाहते हो? राजेश, तुम्हें जिस आदमी की तलाश थी वो आरसी है। आरसी ज्वाला डाकू है। राजेश, रुक जाओ राजेश। मैं कहता हूं रुक जाओ राजेश, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बड़ी देर कर दी बेटा। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। कोई बात नहीं माँ, बहुत रात हो गई। कैसी बातें कर रहा है? तुम सो जाओ। तो इससे पहले कभी मैं सोई हूँ जो आज सो जाऊंगी? अपनी माँ को भी नहीं बताएगा, ऐसी क्या बात है? हाँ माँ, तकदीर मेरे साथ ऐसा संगीन मजाक करेगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इससे तो अच्छा होता मेरी तलाश कभी खत्म ही ना होती। तुझे कोई मिला था क्या? हाँ माँ, मुझे मेरा भाई मिला था। वो भाई जिसकी याद में बरसों से अपने सीने से लगाया था, वो मिला भी तो एक मुजरिम के भेष में, एक कातिल के रूप में। तेरा भाई और कातिल? हाँ माँ, मेरा भाई एक चोर है, स्मगलर है। उसके सर पे खून का इल्जाम है। क्या हुआ बेटा? सब कुछ तो तेरे हाथ में है, तू चाहे तो उसे छोड़ सकता है। आखिर वो तेरा भाई है, तेरा अपना खून है। यही तो एक उलझन है माँ। एक तरफ खून का रिश्ता है तो दूसरी तरफ इंसाफ का तराजू। एक तरफ भाई की मोहब्बत है तो दूसरी तरफ कानून की दीवार। और कानून की इस अंधी दुनिया में किसी भी रिश्ते की कोई कीमत नहीं। कानून सिर्फ सबूत देखता है, सिर्फ सबूत। तो क्या तू अपने भाई को अपने हाथों फांसी के तख्ते पर पहुंचाना चाहता है? हाँ माँ, अब मेरे चेहरे पे आंखें नहीं, तराजू के दो पलड़े हैं और इंसाफ करने वाला भगवान है, सिर्फ भगवान। मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। वो अपने फर्ज के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। माँ जी ने भी उन्हें बहुत समझाया, वो किसी की भी नहीं सुनते। बीबी जी चाय टेबल पर रख। जी बीबी जी। बहन, मैं कानून की मदद मांगने नहीं आई हूँ, पिछड़े हुए भाई बहन को मिलाना चाहती हूँ। 15 साल बाद भाई बहन का पता चला है, मैं चाहती हूँ कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरे तो कोई भाई बहन है नहीं, मगर फिर भी रिश्तों को मैं जानती हूँ। मैं रिश्तों को जानती हूँ, भाई बहन के प्यार को भी समझती हूँ, लेकिन किस्मत का क्या करूँ? जिसने राकेश को कानून का रखवाला बनाया है
जुर्म और कानून की लड़ाई में वो अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो कह दो राकेश से कि वो राजेश के गले में फांसी का फंदा डाल दे, एक बहन से उसका भाई छीन ले, बूढ़े कर्नल की जान ले ले और मुझसे मेरे जीने का सहारा छीन ले, हम सबको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे, अपना फर्ज पूरा करे, अपना ओहदा और ऊंचा कर ले। लिली, हेलो इंस्पेक्टर। हेलो राजेश, कैसे रहो? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा जमीर जाग गया और तुम अपने आप को कानून के हवाले करने चले आए। नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपने आप को तुम्हारा हवाले करने नहीं आया। क्या मतलब? सीबीआई ऑफिसर, आई एम सॉरी। कनु कनेजा ठीक ही कहते थे कि एक इंस्पेक्टर का बेटा स्मगलर है। ओ, तो आपने भी सन 52 की कहानी सुनी? हमारे पिताजी एक पुलिस ऑफिसर थे। ज्वाला डाकू ने हमारे मां बाप का बेदर्दी से खून कर दिया था। ज्वाला? हाँ, अब मैं इसे अपनी बदनसीबी कहूं या खुशनसीबी, उस कहानी में मेरा किस्सा भी शामिल है। क्या मतलब? हाँ, हम तीन भाई बहन थे, राजू, मुन्नी और तुम राकेश। हाँ, मैं वही बदनसीब हूं जो उस काली रात को तुमसे बिछड़ गया था। भाई, अपनी मुन्नी मिल गई है, वो मेरे साथ है। सच? हाँ, और सबसे खुशी की बात यह है कि ज्वाला डाकू का पता चल गया है। मैं धर्मपुर गया था और उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। सेठ आरसी ज्वाला डाकू है। What? हाँ, उसकी एक बेटी थी जो अचानक गायब हो गई थी। सबसे पहले उसकी बेटी का इंतजाम करना है। वो कहां मिलेगी? आज फैसला होकर रहेगा। को ये सलाम आखरी फैसला जाने तमन्ना सरे महफिल होगा। फैसला जाने तमन्ना सरे महफिल होगा। आईना सामने तेरे मेरे कातिल होगा, कातिल होगा, कातिल होगा, कातिल होगा। जाने तमन्ना सरे महफिल होगा। आईना सामने तेरे मेरे कातिल होगा, कातिल होगा, कातिल होगा, कातिल होगा। फैसला जाने तमन्ना 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 सरे महफिल होगा। Ah
हुस्न बेपर्दा है नजरों में सिमट जाने को इश्क बेताब है जलवों से लिपट जाने को तू है देवाना तेरे सर पे उल्फत का जुनून फिर भी राजी नहीं मैं बीच से हट जाने को अपनी जुल्फों में छुपा न छुपने दूंगा अपने सीने से लगा न लगने दूंगा क्यों इसलिए जा गई तो जीना मेरा मुश्किल होगा आईना सामने तेरे मेरे कातिल होगा कातिल होगा कातिल होगा कातिल होगा फैसला जाने तमन्ना 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 सरे महफिल होगा तुझको कहीं सब्र लाजिम है अभी खेल देखेंगे सभी कैसे ऐसे अपने कदमों में गिरा जिए कातिल होगा आईना सामने तेरे मेरे कातिल होगा कातिल होगा फैसला जाने तमन्ना सरे महफिल होगा आईना सामने तेरे मेरे कातिल होगा कातिल होगा कातिल होगा कातिल होगा फैसला जाने तमन्ना 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 सरे महफिल होगा बाबूजी मैं आपकी बेटी हूँ अरे कौन मैं सच कहती हूँ बाबूजी मैं आपकी बेटी हूँ धर्मपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं आपकी बेटी हूँ लोग मुझे अपने घर का पानी तक के पीने नहीं देते तो मैं क्या करूँ मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे डाकू की बेटी कह के ठुकरा देते हैं बाबूजी अरे अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष मगर कहाँ जूतों समेत आंखों में घुस रही है मेरी बेटी को मेरे में जमाना हो चुका है और ज्वाला तुमने उसे अपने हाथों से मारा था तुम कौन हो मुझे सीबीआई ऑफिसर राजेश कहते हैं। ये आप दोनों की मिली भगत थी चाल तो तुमने भी चली थी विक्रम को ज्वाला बनाकर उसे तो अपने रास्ते से हटा दिया हैंड्स अप धरप एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे रास्ते से हटा दिया जाएगा अगर इसकी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो अपनी अपनी रिवॉल्वर्स फेंक दो धरप दोनों को नहीं नहीं छोड़ दो इन्हें अब ये लड़की हमारे चैंबर में जाएगी ज्वाला तुम्हारी दुश्मनी हमारे साथ है हमारे साथ जो करना कर ले इसे छोड़ दे इसे कैसे छोड़ दूं ये तो मेरा आखिरी हथियार है जब तक ये मेरे पास रहेगी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ले जाओ दोनों को माइकल ले जाओ इस लड़की को मेरी बेटी बन रही थी मैं सारी दुनिया का बाप हूं मगर मेरी बेटी कोई नहीं है
मैं ज्वाला को देखता हूँ, तू भाई इन कुत्तों को संभाल। माफ कर दो, तूने मेरे बाप को मारा, मां का खून कर दिया, हम भाई बहनों को दर बदर कर दिया, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो, ये कानून का मुजरिम है और इसे सजा देना अदालत का काम है। तुमने अपना फर्ज पूरा किया, अब इसे हमारे हवाले कर दो। उठो ज्वाला, उठो। सोता है नीचे कोई, खतरा बड़ा है यहाँ तो। क्या वो कोई भूत है, बोलो छुपा है कहाँ वो। बोलो कम जाने, मन बंद करो अब ये सरगम। आज हम आपके मकान में हैं, कितनी दीवारें दरमियान में हैं। ओ दो खिड़की दरवाजे चार पर दे, दो खिड़की दो दरवाजे चार पर दे। ओ कोई हमें बदनाम ना कर दे, आज हम आपके मकान में हैं, कितनी दीवार